Assalamualaikum, आज मैं पकाऊंगी मटन कीमा कैसे पकाते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीके से पकाएंगे। चलो फिर देखते हैं क्या क्या इसमें सामान क्या क्या इसमें सामान लगेंगे। बहुत अच्छा लगता है। आधा किलो कीमा है, हाथ से कुटा हुआ है, मशीन का कुटा नहीं है ये। प्याज है बघारने के लिए, दो तेज पत्ता, बड़ी इलायची है, आधा दालचीनी है, तेल है, दो टीस्पून दो बड़े हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची कश्मीरी मिर्ची है, धनिया पाउडर, नमक टेस्ट अनुसार, टमाटर एक अखा, लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट है, गरम मसाला ये थोड़ा सा था, पीसा नहीं हो रहा, पीसने नहीं हो रहा था इसलिए पानी डाल के पीसी हूँ। ये सब दो टीस्पून है। तेल डालेंगे, तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, इसके बाद प्याज लाल हो जाएगा, फिर मसाला सब डालेंगे इसमें, चलाएंगे, चलाते रहेंगे, गर्म हो जाएगा, गरम लहसुन मिर्ची अदरक प्याज का पेस्ट डालेंगे। प्याज लाल हो गया है, ज़्यादा काला नहीं करेंगे इसको। गरम मसाला डालेंगे, पाउडर मसाला डालेंगे, टमाटर डालेंगे, सबको अच्छे से चला लेंगे, खूब अच्छे से भूनेंगे, 10-5 मिनट भून लेंगे, फिर उसके बाद कीमा डाल के भूनेंगे। मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। मसाला भून गया है 10-5 मिनट, हम इसमें कीमा डालेंगे, कीमे को डाल के खूब अच्छे से भूनेंगे, जब पानी निकलेगा तब तक इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको जिस चला के इसको मिक्स कर देंगे। क्या है ये पानी से निकल गया इसका, अच्छे से भून गया इसको। मैं अब कुकर में डालूँगी, जो एक दो जो अखा हो गया रहेगा वो भी गल जाएगा, सालन में कुकर में ही लगाऊँगी। पलट देती हूँ कुकर में, कुकर को पलट रही हूँ और एक गिलास पानी डालती हूँ, क्योंकि मुझे तेल भी ज़्यादा सामान नहीं रहता है, हल्का सा देरी नहीं रहता है। दो सीटी लगाएंगे, दो सीटी बाद बंद कर देंगे। ज़्यादा सामान नहीं रहेगा, हल्का सा, मतलब